शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर प्लीज अब तो माफ कर दो, और कितने दिन दौड़ोगे? क्या उदय भाई, कब से फोन लगा रहा हूँ और आप क्या अंबानी को बंद करके बैठे ले हो? आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हाँ भाई उधर देखो उधर। लगता है इंडिया वाली पार्टी भी भाग गई। भाई एक बात पूछूं? ना पूछ। ये संजना आपकी सगी बहन है? सगी से भी बढ़कर है। हाँ वो तो है, लेकिन सगी सगी है। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो दो शादी हुई थी, लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्व मेरी उस पेंटिंग में। हाँ वो लड़के को देख रहे हो? कहाँ है लड़का? अरे वही जो बॉनेट के ऊपर बैठा है। बॉनेट कहाँ है? लड़के के नीचे है। हाँ लड़का एकदम शरीफ है, शरीफ। ये शरीफ लोग बहुत बदमाश होते हैं, शराफत की जुबान नहीं समझते। हाँ इसीलिए तो। अब ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा, लड़के की कुंडली कल तक मिल जाएगी, और इस शरीफ शाना के घर वालों से मैं अपने स्टाइल में बात करूंगा। आप बीच में मत पड़ना। हाँ तो फिर हो गई शादी। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोके नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई। नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया। मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंघरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी माँ है यार। ए चलो काम बंद करो। ए चल गए चल, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई साहब? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे पांच खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो चार खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हा? हा? एक करोड़ का पेट्रोल भाई। ठीक है ठीक है, अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो छह खोखे हो जाते। हाँ छह ही हो जाएगा। कल शाम के पांच बजे तक अगर तूने पांच खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी तीन की फैमिली छह हो जाएगी, समझा देना इसको।
समझा, तीन का छह कैसे होता? अरे तीन लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? छह होंगे ना। चलो रे। एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी टैक्स की रकम नहीं मिलने की वजह से एक और हत्या। आज सुबह सवेरे दिन दहाड़े सरे बाजार सरे आम मशहूर बिल्डर श्याम अग्रवाल को तीन लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे पहले हमने और आपका चैनल कल तक ने ये भंडाफोड़ किया कि इस खूनी खेल के पीछे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना मजनू का हाथ है। बचपन से एक एक करके इसने सैकड़ों खून किए, बच्चे बूढ़े नौजवानों को तो क्या लंगड़े लूले अपाहिजों को भी नहीं बख्शा। कमाल है, अरे इतना पैसा कमाते हैं, थोड़े इन बिचारों को भी तो दे देना चाहिए ना। अब पैसा छाती पे लेकर चले जाएंगे क्या? मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे, मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है, दिन दहाड़े दी है, दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई? अपना मज्जू भाई? अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी? मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना। आप पहचानते हो उसे? लो, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम लेके तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता, उल्टा दे के जाता। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है। कितने भोले हैं आप। जाइए, तैयार होकर मेरे साथ चलिए, देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी? अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई, हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ, ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच, अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया? तू लाया? और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया? मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब। भाई का चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया। भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती है, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अब इसका क्या होगा? अरे यार, ये तो डॉक्टर है ना। हाँ? भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। हाँ, जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाँ। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब, मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए। वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा,